फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व पेपर 2017 का। ये 2017 का सॉल्व पेपर है, हम आज ये सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आया था अपने पास, ये क्वेश्चन था y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 4/3 इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए हमें डिग्री एंड ऑर्डर ज्ञात करना था। अब डिग्री हम ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स? डिग्री क्या होती है फ्रेंड्स? ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले ऑर्डर वो होता है जो कितनी बार उसका डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसमें हाइएस्ट हम देख सकते हैं डिफ्रेंशिएट किया गया है 2 बार, तो इसका ऑर्डर डेफिनेटली 2 होगा। लेकिन डिग्री क्या होगी? डिग्री वो होगी इसकी जब हम इसको, जो ये पावर है ये हमारे पास पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है, उस कंडीशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है उसकी डिग्री क्या है, वो उसकी डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब पहले हमने सबसे पहले इसका दोनों तरफ क्यू कर दिया, जिससे कि ये जो पावर है ये पूर्णांक हो जाए, ये 4 हो गया, इधर 3 हो गया, तो इसका जो ऑर्डर था वो तो अपने पास 2 है यहाँ से, और डिग्री जो थी वो इसकी जो घात है वो इसकी डिग्री हो गई। इस तरह हमारे पास पहले क्वेश्चन का ए पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, ऑर्डर बराबर इसका 2 और डिग्री बराबर 3। अब बी पार्ट है फ्रेंड्स, बी पार्ट है सॉल्व। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 3y-7x प्लस 7dx प्लस 7y-3x प्लस 3dy इक्वल टू 0, ये हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले dy/dx निकाल लिया, इसको हम इधर ले, इसको dx को उधर ले गए, उसके बाद हमने इस पार्ट को भी हम नीचे ले गए, तो ये कर लिया हमें dy/dx बराबर -3y-7x-7 एंड अपॉन 7y-3x प्लस 3, ये आ गया। अब हमने मान लिया इसको, ये हमारे समघात में बदलने के लिए, हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन में बदलने के लिए x बराबर मान लिया हमने x प्लस कैपिटल x बराबर मान लिया एक्स स्मॉल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई बराबर मान लिया स्मॉल वाई प्लस के, तो अपने पास dy/dx आ गया, कैपिटल dy/dx, तो ये आ गया -3y-7x 7y-3x, जहाँ पर अपने पास जो कंडीशन थी ये वैल्यू रखने पर उसके अंदर ये भी कंडीशन सम होकर आएगी 3k-7h+7 जो कि 0 के इक्वल होता है, और 7k-3h+3 जो भी 0 के इक्वल होता है। इन दोनों को सोल्व करने पे हमारे पास एच एम के की वैल्यू आ जाती है, एच बराबर बना जाता है, के बराबर 0 आ जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये थी dy/dx बराबर माइनस कोष्टक चालू 3y-7x/7-3x, ये था। अब हमने मान लिया y/x = v या y = vx, तो dy/dx बराबर आ गया अपने पास v + x dv/dx, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाता है v + x dv/dx इक्वल टू ये -3y + जो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके 7 आ गया, और 3v, ये v इस तरह आया, हमने x दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो y/x और x से x कट जाएगा, इस तरह से ये आ गया हमारे पास -3y + 7 एंड 7y-3 है। अब हमने v को इधर ले गए, तो ये आ गया x dv/dx बराबर -3y + 7 अपॉन 7v-3 -v, तो इसका हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारे पास x dv/dx बराबर 7-7v² अपॉन 7v-3x। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये आ गया है, तो हमने v की टर्म को एक तरफ ले गए, x की टर्म को एक तरफ ले गए, हमने v की टर्म हमारे पास आ गई 7v-3 अपॉन 7-7v² dv, एवं जो x की टर्म थी वो आई 1/X dx, ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स, हमने अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7v/7 1-7-7v² प्लस 3 7v² - 1 7 कॉमन ले लिया हमने इसमें से, dv = 1/X dx। फ्रेंड्स, अब हमने इसमें क्या किया है, ये जो 7 इसमें से एलसीएम लेके अब फ्रेंड्स हमने एलसीएम ले लिया इसका, ये तो एलसीएम लेके जो 7 आया यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया अपना 7v/1-v² प्लस 3v² - 1 7/x dx,
ये आ गया अपने पास। तो अब हमने इसको इसको हम खोल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस वन को, वन माइनस वी, वी माइनस वन एंड वी प्लस वन। तो उसको इसको खोल लिया हमने, सेवन वी वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर प्लस थ्री वी प्लस वन वी माइनस वन डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। जिसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया सेवन वी वन माइनस वी का स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन डी वी। फ्रेंड्स इसको हमने पार्शियल जो भिन्न बनाते हैं आंशिक भिन्न मेथड से इसको सॉल्व किया है। इसके बाद याद आता है इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट करने पे आ गया माइनस सेवन अपॉन टू लॉग वन माइनस वी स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू लॉग वी माइनस वन माइनस थ्री बाई टू लॉग वी प्लस वन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये आ गया। तो इसके बाद ये आ गया अपने पास लॉग, हमने लॉग का जो मल्टीप्लाई और लॉग एम प्लस लॉग एम एन बराबर लॉग एम एन होता है वो हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो ये आ गया लॉग वी माइनस वन का क्यूब वी प्लस वन का क्यूब वी माइनस वन का सेवन की पावर सेवन, ये आ चुका है अपने पास इक्वल टू लॉग एक्स। तो इसको हमने एंटी लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग एक्स सी हो गए ये हमने एंटी लॉग ले लिया। तो वी माइनस वन का क्यूब अपॉन वी प्लस वन का क्यूब वन माइनस वी स्क्वायर की पावर सेवन इक्वल टू लॉग एक्स, ये आ गया अपने पास बाई अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। वी की हमने वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू जो थी वो थी अपने पास वाई अपॉन एक्स। तो ये आ गया वाई अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब अपॉन वाई प्लस अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर सेवन। अब हमारे पास ये आ गया वाई माइनस एक्स जो कि एक्स एलसीएम में लेके गया तो एक्स क्यूब एलसीएम में आएगा, यहाँ से भी एक्स क्यूब एलसीएम में आएगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। तो ये आ गया अपने पास वाई माइनस एक्स क्यूब जो यहाँ से जो अपने पास आया था उससे ये हो गया अपने पास 14, ये 14 आ गया अपने पास। ये हो गया वाई प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, ये आ गया फ्रेंड्स। तो ये ऐसे एक एक्स 14x है यहाँ पे, वहाँ से एक एक्स गया तो ये हो गया 13x, एक्स की पावर 13, वाई प्लस एक्स की पावर 10 अपॉन वाई माइनस एक्स पावर 4 एंड सी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे किया है वाई, इसको पहले माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन है और पावर है सेवन पावर, तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा बाई बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने बाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स में खोला है और फिर बाई माइनस एक्स जो बने थे वाई माइनस एक्स की पावर सेवन बना था उससे वाई माइनस एक्स की क्यूब इसमें से जो वाई माइनस एक्स पावर फोर बच गया और जो वाई प्लस एक्स पावर सेवन बचा वो इधर हो गया मल्टीप्लाई। इस तरह से वो मल्टीप्लाई होकर ये आ गया एक्स पावर 13 अपॉन वाई प्लस एक्स पावर 10 वाई माइनस एक्स पावर 4 इक्वल टू सी, ये आ गया। तो ये आ गया एक्स प्लस वन की पावर 6 अपॉन, हमने एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स जो एक्स की वैल्यू थी वो थी एक्स बराबर थी एक्स माइनस एच और वाई बराबर थी वाई माइनस के, ये हमने वैल्यू रख दी। तो ये हो गया एक्स माइनस वन सॉरी एक्स माइनस वन, इसी तरह वाई प्लस एक्स माइनस वन का 6 सॉरी 10 वाई माइनस एक्स प्लस वन का 4 इक्वल टू सी। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो अपने पास था एक्स स्क्वायर जो हमने सॉल्व करवाया था वो था एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वन प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स क्यूब। हमने डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया तो आ गया अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू अपॉन या आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू, इधर दिया तो अपने वन अपॉन एक्स एंड वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सो ये मैंने उल्टा लिख दिया है फ्रेंड्स। ये पहले वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वन अपॉन एक्स आएगा लेकिन उस लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया इस तरह से भाग देने पर इक्वल टू एक्स आ गया। अब हमें कंपेयर करना है इससे, वो कंपेरिजन होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। यहाँ पी बराबर क्या है अपने पास माइनस टू वन वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड क्यू बराबर है टू अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आर बराबर है एक्स। क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं अगर हम पी प्लस क्यू एक्स करें तो ये अपने पास जीरो आ जाता है, पी प्लस क्यू एक्स जो करें तो उसके पास जीरो आ जाता है जो हमारे पास इम्प्लाई करता है कि वाई बराबर एक्स जो होगा एक उसका जो सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा जिसको हम सी एफ कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हमने फ्रेंड्स
वाई बराबर वी की पावर एक्स, वाई बराबर वी एक्स। इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन मान लिया, वाई बराबर बी एक्स मान लिया हमने, कोई कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इसके बाद हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एंड डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स। हमने ये जो वैल्यू थी अपने पास, ये हमने स्टार में रख दी, इसमें जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू रख दी। इस इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास ये आ जाता है एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस वन वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वी एक्स। अब फ्रेंड्स हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म हमारे पास कट सकती थी हम लोग काट दिया, और जो टर्म्स काटने के बाद जो अपने पास इक्वेशन आती है वो होती है अपने पास एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास ये आ जाता है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। अब हमने मान लिया डी वी अपॉन डी एक्स बराबर पी, ये मान लिया, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। अब फ्रेंड्स ये आ गया अपने पास, तो हमारे हमने यहाँ पे जो यहाँ पे आ गया ये माइनस टू पी आ जाएगा, या डी पी अपॉन डी एक्स माइनस टू पी इक्वल टू वन, जिसको हमने पी को इधर ले गए हम पी वाले टर्म को, तो ये आ गया डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू पी प्लस वन। तो हमने पी वाले टर्म को हम नीचे ले गए तो वन अपॉन टू पी प्लस वन इक्वल टू डी एक्स। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास लॉग टू पी प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी वन। अब हम टेकिंग दोनों तरफ हमने एंटी लॉग ले लिया या एक्सपोनेंशियल ले लिया हमने दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा टू पी प्लस वन इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी वन, जिसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर सी वन। तो सी वन को हमने अलग से टर्म दे दिया, ई की पावर सी वन को हमने ए दे दिया, तो यह आ गया ए ई की पावर एक्स। तो अपने पास पी बराबर आ गया फ्रेंड्स, पी बराबर वन बाई टू ए ई की पावर एक्स माइनस वन, ये आ गया। अब हम डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इससे आ जाता है अपने पास वन बाई टू ए ई की पावर एक्स माइनस वन, ये आ गया। तो वी बराबर क्या आ जाता है, हमने इसका इस तरफ ले गए तो इसका ले जाके फिर इंटीग्रेशन कर दिया, तो वी बराबर आ गया अपने पास वन बाई टू ए ई की पावर एक्स माइनस जो वन का होगा इंटीग्रेशन वो एक्स हो जाएगा, ये अलग कॉन्स्टेंट हो जाएगा सी। अभी हमारे पास वी बराबर आ गया, तो सॉल्यूशन क्या था अपने पास, सॉल्यूशन होता है वी एक्स। तो वी वाई बराबर वी एक्स, जो हमने एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे, इसमें एक्स वी वी की ये वैल्यू है एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आ गया वन बाई टू ए एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी टू एक्स अपॉन टू। इस तरह हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब फिर से हम क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स था वो था अपने पास वन प्लस वी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, जिसको हम लिख सकते हैं डी एक्स, इसको वन प्लस वाई स्क्वायर को नीचे ले गए तो यह गया डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको अलग अलग लिख के और एक्स वाले टर्म को इधर ले आए, जो एक्स वाले ये आया था ये आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई वन प्लस वाई स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ पी और जो इधर होता है जिसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई, तो उसके रेस्पेक्टली डी वाई हो गया। ये एक्सपोनेंशियल वन प्लस वाई स्क्वायर, ये पी जो होता है वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई जो ये हो गया एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स वाई, जिसको लिख सकते हैं ई की पावर टेन इनवर्स वाई। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होता है आई एफ डॉट एक्स इक्वल टू आई एफ क्यू डी वाई। आई एफ क्या था, इंटीग्रेटिव फैक्टर ई टेन इनवर्स वाई डॉट एक्स इक्वल टू ई टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स वाई, जो जो अपने पास क्यू था वो होता है टेन इनवर्स वाई वन प्लस वाई स्क्वायर। तो टेन इनवर्स वाई वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हमने टेन इनवर्स वाई बराबर टी मान लिया, तो ये आ गया हमारे पास वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो हमने हमारे पास ये आ गया ई की पावर टेन इनवर्स बाई एक्स बराबर ई टी ऑफ टी डी टी। अब हमने फ्रेंड्स फर्स्ट डॉट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दिया, पहले हमने टी को छोड़ के इसका इंटीग्रेशन कर दिया ई की पावर टी ऑफ डी टी माइनस, अब हमने पहले इंटीग्रेटर साइन लगा के डिफ्रेंशिएशन किया जो सेकंड का था डी ओवर डी टी। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया है जो हमने पहले पहले जो फर्स्ट सेकंड का जो वो था ई टी,
ऑफ डी टी, इसका हम इसका वन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी रहेगा, फिर से इंटीग्रेशन ये आ जाएगा टी ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी ऑफ डी टी, जो आ गया टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ये आ गया टी ई की पावर टी को मिले पर टी माइनस वन ई की पावर टी प्लस सी। अब हमने ये वैल्यू जो अपने पास जो वैल्यू थी टी की वो वैल्यू हमने रख दी, तो टी की वैल्यू ये आ गया टी टेन इनवर्स बाई माइनस वन डॉट ई की पावर टेन इनवर्स बाई, सो ई की पावर टेन इनवर्स बाई एक्स बराबर आ गया टेन इनवर्स बाई माइनस वन ई की पावर टेन इनवर्स बाई प्लस सी। अब हमने ई की पावर टेन माइनस टेन इनवर्स बाई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स बराबर आ गया टेन इनवर्स बाई माइनस वन, जो ई की पावर माइनस टेन इनवर्स बाई का मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो बराबर वन हो जाएगा, प्लस सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स बाई। इस तरह हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, वो है अपने पास सॉल्व डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन थ्री एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस वन बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन थ्री प्लस साइन थ्री एक्स, जहाँ डी बराबर है अपने पास डी ओवर डी एक्स, ये है अपने पास। इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन है सहायक समीकरण जो निकालते हैं वो होती है हमारे पास सिंपली, इसको निकालने का सिंपली तरीका है कि जो डी की फॉर्म है वहाँ पे एम रख दो और बाकी टर्म को जो राइट हैंड टर्म है उसको जीरो रख दो, वाई को हटा दो, तो ये एम क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो, जिससे हमारे पास एम ये आ जाता है एम क्यू इक्वल टू माइनस वन, तो एम बराबर आ जाता है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, इस तरह से आ गया। तो इसका सी एफ जो आ गया वो आ गया फ्रेंड्स हमारे पास सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब फ्रेंड्स हमने पी आई निकाला, पी आई निकाल सकते हैं वन अपॉन एफ, पी आई निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एम आया है ये और भी आ सकते हैं, इसको हम और भी अगर एम की जो वैल्यू और निकाले तो हम एम प्लस वन का इसका हम डिवाइड करने पर जो एम की वैल्यू आएंगी कुछ जो कि एम की वैल्यू आएंगी वो आएंगे काल्पनिक, उनको भी ले सकते हैं हम। अब हम इसको पी आई निकाला तो पी आई बराबर आ गया वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स, तो एफ डी क्या क्या है डी क्यू प्लस वन इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन थ्री एक्स, इसको हमने अलग अलग लिख दिया वन अपॉन डी क्यू प्लस वन ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन डी क्यू प्लस वन साइन थ्री एक्स। फिर से अभी हम जो बात कर रहे थे एम की वैल्यू निकालने की, वो वैल्यू हो सकती है एम प्लस वन, मतलब एम प्लस एम क्यू प्लस वन का हमें पता है एम बराबर माइनस वन एक टर्म आनी है, तो एम प्लस वन हमने कॉमन ले लिया, तो एम प्लस वन कॉमन लेने पर बच गया एम क्यू माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एम बराबर आ गया, ये तो माइनस वन आ गया, एक आ गया वन प्लस माइनस रूट वन माइनस फोर अपॉन टू, एक वन प्लस माइनस आयोटा अपॉन रूट थ्री अपॉन टू, तो इसके जो वो आ जाते हैं अपने पास सी एफ जो आ जाता है वो आ जाता है सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू जो सी टू नहीं सॉरी ई की पावर एक्स प्लस सो मल्टीप्लाई में डो सी टू साइन रूट थ्री एक्स प्लस सॉरी को हाँ प्लस कोस रूट थ्री एक्स, इस तरह लिख सकते हैं हम, इसके दो एक्चुअली इक्वेशन आ जाएंगे, ये इक्वेशन आ गए अपने पास, तो अपने पास ये इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं सी एफ अपने पास ये आ चुका है। फिर इसको हम ना लिख के इसको ना लिख के हम इसको लिखेंगे, ये हमें सावधानी बरतनी है कि इस तरह से हमारे पास एक्चुअली जो सहायक समीकरण है वो इस तरह से आएगा। अब हमारे पास पी आई निकालते हैं, पी आई निकालते हैं तो वो आता है पी आई बराबर वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स, जो आता है वन अपॉन डी क्यू प्लस वन ई की पावर एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, ये हमने यहाँ से तो पढ़ चुके थे कि साइन थ्री एक्स तक आ चुका था अपने पास। अब ये आ गया अपने पास फ्रेंड्स, तो अपने पास ये जो दो फॉर्मूले यूज करते हैं हम, जो वो फॉर्मूले वन अपॉन डी ई की पावर एल्फा एक्स बराबर वन अपॉन एल्फा ई की पावर एल्फा एक्स इफ जो एफ एल्फा इक्वल नॉट जीरो है तो, और इसी तरह वन अपॉन डी स्क्वायर साइन एल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एफ अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर ए एल्फा स्क्वायर साइन एल्फा एक्स इफ एफ माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल नॉट जीरो, और हमारे दोनों ही कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इक्वल नॉट जीरो हो रहा है, तो हमने ये जो फॉर्मूले हैं हमने ये सीधे फॉर्मूले रख दिए, तो ये आ गया वन अपॉन टू ई की पावर एक्स प्लस यहाँ डी जो डी क्यू था अपने पास
फ्रेंड्स ये जो डी क्यूब था यहाँ को हम डी स्क्वायर और डी में कर लिया, तो डी स्क्वायर ये तो आ गया माइनस थ्री वन अपॉन माइनस थ्री स्क्वायर टी प्लस वन, तो ये आ गया अपने पास वन अपॉन टू ई पावर एक्स प्लस माइनस नाइन डी प्लस वन साइन थ्री एक्स। तो अपने पास अपने इस बार हमने वन प्लस नाइन डी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आ गया वन अपॉन टू ई पावर एक्स, ये आ गया वन प्लस नाइन डी वन माइनस एट्टी वन डी स्क्वायर साइन थ्री एक्स। अब फ्रेंड्स हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमने पास ये आ गया वन अपॉन टू ई पावर थ्री एक्स प्लस वन अपॉन नाइन डी अपॉन सेवन थर्टी और साइन थ्री एक्स। इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई या डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो ये हो गया साइन थ्री एक्स प्लस नाइन, और जो कोस का साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा कोस थ्री एक्स डॉट थ्री, तो ये होगा ट्वेंटी सेवन कोस थ्री एक्स अपॉन सेवेंटी। जो सॉल्यूशन आएगा वो अपने पास जो सी एफ होगा, सी एफ फ्रेंड्स सी एफ ये होगा अपने पास ये वाला सी एफ प्लस जो अपने पास पी आई निकाला है वन प्लस टू ई पावर एक्स साइन थ्री एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इन दोनों का सम करके जो आएगा वो सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास। अब फ्रेंड्स हम इसका बी पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का बी पार्ट है वो था अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर डो एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर थ्री एक्स, सॉरी ये था। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सहायक समीकरण बनाते हैं। सहायक समीकरण हो जाते हैं एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एम माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम बराबर आ गए दो बार वन वन आ गया, तो सी एफ आ गया हमारे पास सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स। अब हमने पी आई निकाला तो पी आई निकालने के लिए फ्रेंड्स वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स करते हैं, तो वन अपॉन डी माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई पावर थ्री एक्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन एफ टी ई पावर एल्फा एक्स डॉट एक्स पावर एन इक्वल टू वन अपॉन सॉरी ये होता है ई की पावर एल्फा एक्स डॉट वन अपॉन डी माइन डी प्लस एल्फा एक्स पावर एन। तो हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ई पावर थ्री एक्स डी प्लस एल्फा, तो ये थ्री था तो डी प्लस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया ई पावर थ्री डी प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास ये आ गया। तो ये अपने हमने ई की पावर थ्री एक्स डॉट वन डी प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी प्लस टू का एन माइनस टू, मतलब डी प्लस टू का जो पावर होगी वो माइनस टू होगी, ऊपर ले गए हम, तो ये आ गया अपने पास ई की पावर थ्री एक्स डी प्लस टू की पावर होल माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स हम हमारे पास ये फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है वन प्लस यानी वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है खोलने का वो होता है वन माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यू, इस तरह से खोलते हैं। तो ये टू माइन टू प्लस डी इसको हम खोलेंगे सॉरी वन प्लस डी इसको हम खोलेंगे तो ये आएगा वन माइनस डी प्लस टू डी स्क्वायर, इस तरह से खुलता जाएगा ये। फ्रेंड्स ये इस तरह से खुल जाएगा अपने पास, जो वन प्लस टू कॉमन ले लिया हमने उसमें से, यहाँ से हमने टू कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा टू, टू तो नीचे आ जाएगा वन अपॉन ये आ जाएगा ई पावर थ्री एक्स अपॉन टू वन प्लस डी अपॉन टू का की पावर माइनस टू, इसको खोला तो ये आ गया अपने पास ई पावर थ्री एक्स अपॉन टू, तो ये है वन माइनस डी अपॉन टू प्लस टू डी स्क्वायर अपॉन फोर, इस तरह से खुल गया। तो इसको हमने एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ई पावर थ्री एक्स अपॉन टू, तो है एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा टू एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा ओनली, और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दो बार इंटीग्रेशन करना है तो एक बार तो टू एक्स हो जाएगा उसके बाद टू एक्स का क्या तो टू हो जाएगा, तो टू टू मल्टीप्लाई होकर फोर आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से हमारे पास ई की पावर थ्री एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो अपने पास सॉल्यूशन आया फ्रेंड्स वो आ जाएगा सी एफ प्लस पी आई, जो सॉल्यूशन आ गया ये आ गया अपने पास ई की पावर सी एफ तो सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर थ्री एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस तरह से सॉल्यूशन आ गया।